रिव्यू करेंगे अप्राइज D3 60 के टैबलेट का, समझेंगे ये क्या है, किस बीमारी में चलती है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट और इसका डोज। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञान ईयर द मेडिकल चैनल। मैं देता हूं दोस्तों आपको दवाइयां बीमारियों की जनरल नॉलेज, सो प्लीज डू सब्सक्राइब क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हूं। सो समझते हैं दोस्तों ये अप्राइज D3 क्या है। देखिए दोस्तों अप्राइज की अगर बात करें तो ये एक ब्रांड नेम है, कोई भी कंपनी कुछ भी नाम रख देती है, तो ये एक अल्केम नाम की कंपनी है, अल्केम लेबोरेटरीज, उन्होंने इसका एक ब्रांड नेम रखा है अप्राइज D3। D3 जाहिर सी बात है D3 हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ये D3 ही होता है। D3 बोले तो विटामिन D3 जिसे हम कोली कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, ये मेडिकल टर्म में कोली कैल्सिफेरॉल होता है, इसे हम शॉर्ट में D3 कह सकते हैं। तो ये जो कोली कैल्सिफेरॉल की टैबलेट आती है दोस्तों, इसके आगे 60 के क्यों लिखा है भाई? देखिए 60 मिलीग्राम लिखते, 60 ml लिखते, कुछ भी लिखते, लेकिन के का मतलब क्या है? देखिए अगर आप बात करें 60 के की, तो आप देखते हैं कि भाई ये आजकल जो के है ये जो है थाउजेंड्स के लिए डिनोट करते हैं। 60 के मतलब 60 के नहीं, वो 60,000 को 60 के कहा जाता है, ठीक है? कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 1 के है तो वो 1,000 है, 2 के है तो वो 2,000 है, ऐसे 60 के है तो वो 60,000 है। तो भाई 60,000 ऐसा क्या डाला है? देखिए दोस्तों जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं या बायो बायो इंसान से प्राप्त की जाने वाली दवाइयां या जानवरों से प्राप्त की जाने वाली दवाइयां, जो कि आप केमिकल से नहीं बना रहे हैं, आप पेड़ पौधों से नहीं ले रहे हैं, मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, ठीक है ना, कि भाई ये इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कई कई जगह पे IU लिखा रहता है, ठीक है ना, IU। आप देखिएगा तो IU मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनिट्स, और ये किस लिए होती है, आप मेरा वीडियो है वो देखिएगा। सो खैर जो जो 60 के है ये एक इंटरनेशनल यूनिट है, तो इतने आपको 60 के आपको मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, आप जरूर से देखिएगा कि भाई 60 के या इंटरनेशनल यूनिट, आप सर्च कीजिएगा इंटरनेशनल यूनिट ज्ञान ईयर, आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे 60 के इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन D3 जिसे बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल क्यों जरूरी है? देखिए हम बचपन से सुनते आए दूध पियेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, या जो भी आप कैल्शियम डाइट लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, और लेकिन फिर भी लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो देखो डाइट से या दूध से या टैबलेट्स हो कैल्शियम की, हमारी बॉडी पूरा कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी हर दूसरे व्यक्ति में होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोलिकैल्सिफेरॉल एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि विटामिन होने के साथ दोस्तों कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं धूप में बैठना चाहिए। अभी सर्दियां आ गई हैं तो सुबह की धूप आपको लेना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट डेली, तो बहुत फायदेमंद होता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। सो यहाँ पे कोलिकैल्सिफेरॉल का काम सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप जो भी आप कैल्शियम ले रहे हैं या टैबलेट्स के रूप में या दूध के रूप में, तो वो आपके शरीर को लगे तो सही है ना। कई बार लोग सोचते हैं इतना मैं दूध पीता हूँ मेरी हड्डियां मजबूत क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही। तो ऑर्थोपेडिक्स में दोस्तों बहुत सारे लोग जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या हड्डियां फ्रैक्चर हैं, तो उनको कैल्शियम के साथ इसको चलाना ही पड़ता है, हफ्ते के हफ्ते एक टैबलेट दी जाती है, डेली का इसका डोज होता भी नहीं, ठीक है, एक हफ्ते में काफी होती है, एक हफ्ते तक ये काम करता है, आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया दोस्तों साइड इफेक्ट्स और सावधानियों की, तो सावधान यही दोस्तों कि देखो लैक्टेशन मदर्स जो होती है, महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो ले सकती हैं, प्रेगनेंसी में भी ये सेफ ही होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से आप पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है। और ड्राइव भी कर सकता है आदमी, लिवर किडनी की समस्या में दोस्तों, अगर किडनी खराब है आदमी की, कोई किडनी की बीमारी है, किडनी स्टोन है, तो आप उनको ना दें, ठीक है। और लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे अगर बात किया दोस्तों कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स की, अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा लेंगे तो आपको हो सकता है कि थकान और कमजोरी होने लगे, हड्डियां तो मजबूत करेगा लेकिन थकान कमजोरी होगी, साथ ही एक मुंह के अंदर मेटलिक टेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, जैसे आपने लोहा चबा लिया। सो खैर मेटलिक टेस्ट आएगा। और यहाँ पे बात किया डोजेस की, तो हफ्ते के हफ्ते एक गोली दी जाती है, चबाना है आप चबा सकते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं तो अच्छी लगती है, टेस्ट होता है उसमें, ऑरेंज फ्लेवर होता है आई थिंक सो, तो बढ़िया है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि भाई आपके शरीर में कैल्शियम की कमी और आप कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको हफ्ते के हफ्ते एक बार ये भी लेना चाहिए।
सो ये होता है दोस्तों अपराइज D360K टैबलेट। आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।